मैं भक्ति करते करते पाप भी करूं और फिर क्या करूं, भक्ति भी करूं। प्रभुपाद जी कहते हैं इसकी बड़ी पनिशमेंट होती है। जिस तरह से हम 10 नाम अपराध में अपराध पढ़ते हैं, भगवान के नाम के बल पर पाप करना। लेकिन कभी कोई ऐसी गलती हो जाए जो उसके बस से बाहर हो, इंसान है, जब 4 पांव वाला जानवर ठोकर खाता है तो 2 पांव वाला इंसान ठोकर क्यों ना खाए, खा जाता है कभी कभी गलतियां। लेकिन उस गलती को रियलाइज कर लेना, एक होता है गलती करके फिर गलती करना, फिर गलती करके फिर गलती करना, और फिर गलती करके फिर गलती करना, और एक होता है गलती करके उसको रियलाइज कर देना। अगर कोई गलती करके रियलाइज कर लेता है कि मुझसे ये बहुत बड़ी भूल हुई है और आगे से मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, और उस बात का उसको क्या है, एहसास भी और साथ साथ पछतावा भी है, पछतावा भी है, और वो उसका प्रायश्चित भी करना चाहता है, और फिर वो भक्ति में लगा हुआ है, तो कहीं क्षमा की गुंजाइश है। दो चीजें, एक भक्ति करके गलती हो जाए, भक्ति करते करते गलती हो जाए लेकिन उसका रियलाइज हो जाए और उस गलती को क्या कर लिया जाए, सुधार लिया जाए, तो भगवान कहते हैं उसको माफी हो सकती। लेकिन एक गलती पे गलती भी करे और साथ में भक्ति भी करे, ये सोच के कि गीता में तो श्री कृष्ण ने कहा है ना, और इस हिसाब से वो भक्ति करे, तो ऐसी भक्ति किसी काम आने वाली नहीं है, क्योंकि वो भक्ति की आड़ में क्या कर रहा है, पाप कर रहा है। इसलिए इस श्लोक को हमें सही समझना चाहिए कि भक्ति करते 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 इंसान होने के नाते कभी कोई भूल हो गई, और लेकिन उस भूल को हमने सुधार लिया, उसका रियलाइज कर लिया, उसका पश्चाताप कर लिया, और हमने अपनी भक्ति को कंटिन्यू रखा, तो भगवान कहते हैं मैं माफ कर सकता हूं। लेकिन अगर भक्ति की आड़ लेकर सोचा कि अरे आज मैंने पाप किया, कल मैं भक्ति कर लूं, फिर कल पाप कर लूंगा, परसों भक्ति, तो ये जो पैरेलल चलेगा यहां कोई गुंजाइश बनती नहीं। इसलिए हमें भक्ति की आड़ में कभी पाप नहीं करने चाहिए, ये सोच के कि आज मैं भक्ति करूं, कल पाप करूं, फिर परसों भक्ति करूं और मुझे माफ हो जाएगा, इस तरह की वृत्ति खतरनाक।